कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन आज सातवें दिन भी जारी है। किसानों को मनाने में नाकाम रहे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल की गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मीटिंग चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर है। इस दौरान आज योगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और शेयर मार्केट की जानकारी ली। आज ही एलएमसी का बॉन्ड बीएसई में लॉन्च हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ ही कई उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर लखनऊ में फिल्म सिटी बनाने को लेकर चर्चा की। लखनऊ में फिल्म सिटी बनाने के फैसले पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, सीएम योगी का यह फैसला नाकाम साबित होगा, राज्य में जबरन कारोबार ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक पर एक महिला बीजेपी नेता को धक्का देने का आरोप लगा है। जिस महिला को धक्का दिया गया वह गर्भवती थी और धक्का देने के कारण उनके गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में महिला विधायक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। किसानों के लगातार प्रदर्शन की वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है। यूपी में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां बारातियों को लेकर लौट रही कार पर गिट्टी से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में कार के ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 3 परिवार की 6 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95 लाख तक पहुंच चुकी है। इनमें से 90 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,38,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा, राज्य में जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनसे जुर्माना वसूलना ही काफी नहीं है। इन लोगों से कोविड सेंटर में अनिवार्य रूप से 5 से 6 घंटे सेवा कराई जाए। कोर्ट ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है। बायो एनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को ब्रिटेन ने लोगों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ऐसा करने वाला ब्रिटेन दुनिया का पहला देश बन गया है।